Hello everyone, it's Kasturi. This is exactly where you want to be. Today we are going to learn about factor of climatic control from climate chapter. With the help of diagram and lots of day-to-day life example, we are going to analyze all these factors. And I'm pretty sure by end of the session you would be very confident about this topic. So let's get going, let's enjoy with me. Let's start with latitudes. To get to know about latitude, we should draw all this imaginary line. 0 degree, 90 degree north and 90 degree south. अब हम ये जानेंगे कि दिस इज इक्वेटोरियल जोन. इक्वेटोरियल जोन को क्यों ज़्यादा टेम्परेचर ज़्यादा है. ऑन द अदर हैंड नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल वाई दे आर गेटिंग लेस सनलाइट. तो ड्यू टू अर्थ्स रोटेशन थ्रू आउट ईयर इक्वेटोरियल रीजन को डायरेक्ट सन रे मिलता है वेयर नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल they are getting slanting way. Because of that, these are frigid zone and this is known as torrid zone. Sabse zyada temperature milta hai. And in between these area are known as temperate zone. Jahan pe kya hai na to bahut zyada garmi, na to bahut zyada thand. Now, abhi yehi mechanism we are going to add up for our own country. Okay? So, this line we are considering as a 0 degree, okay? Now, one more Tropic of Cancer we are getting from half of the India, half part of India, 23rd and half degree north. Because of this Tropic of Cancer, so that's why our country experiencing the two kinds of climate. That's why in India tropical and subtropical both climate we are experiencing. Okay, now what type of climate it is? It would be in summer season hot and humid and mild winter in winter season. Okay, so that's all about latitude. अब हम ऑल्टीट्यूड समझते हैं. ऑल्टीट्यूड के लिए हमें एक स्लाइस ऑफ अर्थ चाहिए. डन. ओके, नाउ वी आर गोइंग टू मेजर द हाइट. ओके, ऑल्टीट्यूड के लिए हमें वी हैव स्टैंडर्डाइज सी लेवल. सी लेवल से हमेशा हम मेजर करेंगे. फ्रॉम द सी लेवल इफ वी गो हाई, हम जितना ऊपर की ओर जाएंगे सो डेफिनेटली टेम्परेचर विल गो डाउन. नाउ क्यू रीजन इज देयर एटमोस्फेयरिक डेंसिटी. जितना हम ऊपर की ओर जाएंगे एटमोस्फेयरिक डेंसिटी धीरे धीरे कम होता जाएगा. देखो हमने ये लेयर में बांट दिया. फर्स्ट लेयर सपोज इट्स प्लेन, डेंसिटी इज टू मच हाई. यू कैन फाइंड आउट ऑल दिस, वी हैव मेड दिस. Now the second plateau, it's little less, density is lesser than plain. Okay, now this is mountainous region. You can find out all this here again, density is very less, isn't? So that is the reason. Because of that, hum jitna sea level se upar ki or jayenge, so definitely temperature will go down. ना वही हम डे टू डे लाइफ के एग्जाम्पल में इम्प्लीमेंट करने वाले हैं. तभी तो समर सीजन में हम वी लव टू विजिट ऑल दिस हिल स्टेशन. इजंट ऊटी, कुल्लू मनाली, शिमला. यस, क्यों? क्योंकि जब हम प्लेन में 35 डिग्री टू 40 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर एक्सपीरियंस करते हैं, वही टाइम माउंटेनियन रेज में हिल स्टेशन में 12 डिग्री टू 15 डिग्री एक्सपीरियंस करते हैं. एंड दैट इज रियली अमेजिंग, इजंट? अब ये तो बताओ कि कौन सा जगह तुम्हें पसंद है रहने के लिए. सी होस्टल एरिया, नॉर्दर्न प्लेन, अदरवाइज यू नो हिल स्टेशन. तो हम अभी जज करेंगे. एंड डेफिनेटली यू शुड शेयर वी योर व्यू. ओके, सो हम अभी देखेंगे
ओके, हम एनालाइज करेंगे विद द हेल्प ऑफ आर इंडिया मैप. तो इसमें हम दो जगह ले लेते हैं, एक ले लेते हैं मुंबई, ओके, वन मोर दिल्ली, ओके, इवन इंदौर ले सकते हैं, जबलपुर ले सकते हैं. तो क्यों आप लेंगे वो हम बता रहे हैं. सो देखो, मुंबई और दिल्ली दो प्लेस ले लिया, तो अभी दो प्लेस में हम कंपैरिजन करने वाले हैं कि कौन सा जगह सबसे ज़्यादा दे आर एक्सपीरियंसिंग मॉडरेट क्लाइमेट. मॉडरेट क्लाइमेट इन द सेंस नॉट टू मच हॉट, नॉट टू मच कोल्ड. तो डेफिनेटली योर आंसर वुड बी मुंबई. क्यों मुंबई क्यों है? क्यों? क्योंकि मुंबई सिचुएटेड ऑन कोस्टल एरिया. कोस्टल एरिया, दिस इज अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल, इंडियन ओशन. सो बिकॉज ऑफ अरेबियन सी कोस्टल एरिया, सो डे एंड नाइट टेम्परेचर आर वेरी क्लोज टू ईच अदर. दिन में सपोज 30-35 डिग्री और 30 डिग्री, सो हियर एट नाइट दे आर गोइंग टू एक्सपीरियंस 25-20 डिग्री. सो लाइक दैट, सो दैट्स वाई वेरी कम्फर्टेबल. एंड दिल्ली वेरी एक्सट्रीम क्लाइमेट, समर सीजन में बहुत ज़्यादा गर्मी और ठंडी के सीजन में बहुत ज़्यादा ठंड. क्यों? क्योंकि दिस बिकॉज ऑफ कॉन्टिनेंटिलिटी. कॉन्टिनेंटिलिटी क्या है? कि जब हम दूर कोस्टल एरिया से दूर रहेंगे, वाट एवर प्लेस वुड बी देयर फार फ्रॉम द कोस्टल एरिया, तो दे आर गोइंग टू एक्सपीरियंस विथ कॉन्टिनेंटिलिटी. ये कॉन्टिनेंटिलिटी के कारण ही एक्सट्रीम क्लाइमेट दे आर एक्सपीरियंसिंग. ओके, सो दैट्स वाई मुंबई, गोवा, इवन मैंगलोर, देन विशाखापट्टनम, चेन्नई, एवरीवेयर यू कैन फाइंड आउट यू नो ऑल दिस. दो चेन्नई वेरी हॉट एंड ह्यूमिड, इट हैज़ ऑल्सो रीजन. फिर कभी दूसरे स्लाइड के साथ आएंगे. चेन्नई क्यों? चेन्नई बहुत गर्मी है बिकॉज ऑफ वेरी क्लोज टू इक्वेटर, सो दैट्स वाई. अदरवाइज मुंबई, गोवा, विशाखापट्टनम, ऑल दिस कोस्टल एरिया, सो इट्स रियली वेरी कम्फर्टेबल एंड मॉडरेट क्लाइमेट बिकॉज ऑफ वेरी क्लोज टू सी. इज इट क्लियर? आई गेट. नाउ हम जाएंगे ओशन करंट के तरफ. ओशन करंट के लिए अगेन वी नीड वन मॉडल ऑफ अर्थ. ऑलरेडी हम जान चुके हैं इक्वेटोरियल रीजन, नॉर्थ पोल, साउथ पोल. ये हमें बहुत क्लियर हो गया है कि इक्वेटोरियल जोन सबसे टॉरिड जोन है, गर्मी ज़्यादा है, एंड नॉर्थ पोल, साउथ पोल फ्रिजिड जोन है. थ्रू आउट ईयर दे आर एक्सपीरियंसिंग सीवियर कोल्ड. ओके, तो अभी चीज़ें तो पता चल गया. सो श्योरली इक्वेटर से जो भी करंट ओरिजिनेट होंगे दैट वुड बी वार्म ओशन करंट. क्यों? क्योंकि वो जगह ही हॉट है, सो दैट्स वाई दैट वुड बी हॉट. द सेम वे अगर फ्रिजिड जोन से जो भी करंट ओरिजिनेट हो रहा है तो फिर दैट वुड बी कोल्ड. वही ओशन करंट अगर ऑनशोर है कि यू नो सी के सी से लैंड की तरफ जा रहे हैं, तो डेफिनेटली दैट लैंड एयर टेम्परेचर विल इंक्रीज, एंड दैट इज दैट्स वाई इट इज ऑल्सो ओशन करंट ऑल्सो वन ऑफ द रीजन टू चेंज क्लाइमेट. अगर कोल्ड वेव है तो डेफिनेटली दैट प्लेसेस टेम्परेचर विल गो डाउन. इफ वेव इज हॉट, वार्म ओशन करंट, तो डेफिनेटली द प्लेस टेम्परेचर विल गो अप. बड़ी रिलीफ समझने की. फॉर दैट वी नीड ए पार्ट ऑफ वर्ल्ड मैप. सो बी विथ मी एंड गेस व्हाट एग्जैक्टली आई एम ड्रॉइंग ओवर हियर. ओके, यस, यू आर एब्सोल्युटली राइट. साउथ अफ्रीका, सऊदी अरेबिया, फिर देन इंडिया. ओके, यस, डन. नाउ ये सोच रहे हो कि मैम व्हाट्स द रीज़न बिहाइंड इट, वर्ल्ड मैप क्यों चाहिए? ये चाहिए. देखो अब यहाँ से हम हिमालयन माउंटेन की लोकेशन हम लोकेट करेंगे. तो हिमालयन माउंटेन फ्रॉम हियर टू हियर. ओके, सो बिकॉज ऑफ दैट लोकेशन
वी आर एक्चुअली ब्लेस्ड. वो क्यों? क्यों? क्योंकि सेंट्रल एशिया का जो भी कोल्ड वेव है इन विंटर, सो दैट कांट रीच अप टू इंडिया. क्यों? इन बिटवीन हिमालयन रेंज एक्टिंग एज ए बैरियर. तो दैट्स व्हाई वी आर ब्लेस्ड. इन विंटर सीजन ऑल्सो वी आर नॉट एक्सपीरियंसिंग सीवियर कोल्ड. ओके, सो दैट इज वन एडवांटेज. नाउ द सेकेंड एडवांटेज, ड्यू टू हिमालयन रेंज वी आर गेटिंग ओरोग्राफिक टाइप ऑफ रेनफॉल. नाउ ओरोग्राफिक टाइप ऑफ रेनफॉल कैसे क्या होता है, जस्ट एक बार फ्लैशबैक हो जाए. When one side of hill they are getting rainfall, another side they are not getting or they are getting very less. So that side will be known as leeward side, and जो side में ज़्यादा बारिश मिल रहा है that is known as windward side. So such kind of rainfall here in India we are getting because of the location of Himalayan mountain. Is it clear? How you have enjoyed? Just, feel free to share with me. If you found today's video useful to you, I will love to know. And feel free to share about your doubts and queries. Definitely, I will be back with lots of video. Thank you so much for watching. Tata, bye.